हेलो दोस्तों, मैं विनायक बंसल वापस ब्रोमेक्स टेक से, और आज हम जियो सिम पर चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं जियो सिम अभी काफ़ी चर्चे में है और काफ़ी लोग उन्हें लेना चाह रहे हैं, क्योंकि वो 4G अनलिमिटेड और कॉल्स HD VoLTE अनलिमिटेड दे रहा है। तो मुझे दो सिम मिल गई थी और आज हम देखेंगे कि एक ट्रू 4G फ़ोन और एक नॉर्मल 4G फ़ोन में क्या फ़र्क आता है जियो सिम के चलने में। तो राइट वाला जो है, जिसकी स्क्रीन अभी चालू है, वो है 1+3 जो ट्रू 4G सपोर्ट करता है, और जो लेफ़्ट वाला है वो है लेनोवो 6000 जो एक नॉर्मल 4G फ़ोन है। तो आज हम देखते हैं कि इनमें स्पीड में क्या फ़र्क आता है ट्रू 4G फ़ोन में और एक नॉर्मल 4G फ़ोन में। तो हम दोनों ही फ़ोनों में, मैं आपको बता दूँ कि जियो सिम जो है वो इंस्टॉल्ड है। लेनोवो 6000 में भी आप देख सकते हैं कि जियो सिम जो है वो चालू है और 4G जो है वो आ रहा है, ये देखिए। और जो 1+3 है उसमें भी जियो 4G जो है फर्स्ट सिम कार्ड स्लॉट में इंस्टॉल्ड है और उसका इंटरनेट भी चालू है। तो हम दोनों ही फ़ोनों में स्पीड टेस्ट जो है वो रन करते हैं एक साथ और देखते हैं कि कौन बेहतर स्पीड देता है, ट्रू 4G फ़ोन या नॉर्मल 4G फ़ोन। दोनों ही फ़ोनों में स्पीड टेस्ट चालू हो गया है। राइट वाला ट्रू 4G है और लेफ्ट वाला नॉर्मल 4G। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कैसे एक ट्रू 4G और नॉर्मल 4G फ़ोन में करीब करीब 15 Mbps की स्पीड का डिफरेंस आ गया। जहाँ पे एक नॉर्मल 4G फ़ोन 6.28 दे रहा है, वहीं पे एक ट्रू 4G फ़ोन 21.74 दे रहा है डाउनलोड स्पीड। अपलोड स्पीड में कुछ खास फ़र्क नहीं है, पर हाँ, एक नॉर्मल 4G फ़ोन में अपलोड स्पीड फिर भी कम है ट्रू 4G फ़ोन के मुकाबले। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ट्रू 4G और नॉर्मल 4G फ़र्क बिठाता है आपकी 4G इनेबिलिटी में। तो यही मेरा एक छोटा सा वीडियो था, जिसमें ट्रू 4G और नॉर्मल 4G फ़ोन की स्पीड मैंने डिफरेंस बताया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे नेक्स्ट वीडियोस भी प्लीज़ देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कोई भी डाउट कमेंट करिएगा। धन्यवाद।